नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं लोकतंत्र अध्याय का अगला भाग। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत में लोकतंत्र के बारे में, जिसके अंदर हम मताधिकार की समानता की चर्चा करेंगे। भारत में समानता और असमानता के मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं भारत में लोकतंत्र। अंग्रेजों से आज़ादी के बाद भारत के नेताओं ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया कि भारत की जो शासन प्रणाली होगी वह लोकतांत्रिक होगी। इसके लिए एक संविधान बनाया गया और संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। संविधान लागू होते ही भारत एक गणतंत्र देश बन गया। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना हुई। दोस्तों, किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उस देश के नागरिकों को मिलने वाली समानता पर निर्भर करता है। आइए अब हम भारत में मताधिकार की समानता के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में वोट देने का अधिकार सबको होता है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सभी को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है, चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री हो, अमीर हो या फिर गरीब हो। हर कोई जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है उसे वोट देने का अधिकार होता है। इसे ही वयस्क मताधिकार कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। इसका अर्थ यह हुआ किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति या धर्म या फिर उस व्यक्ति के शैक्षिक अथवा आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए और भी कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें कानून के समक्ष समानता सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर अधिकारी, उसे कानून का पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है, चाहे वह खेल का मैदान हो, कोई होटल हो या फिर बाजार हो। वहां जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं तथा रोजगार में सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाते हैं। बच्चों, भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें से एक प्रमुख कार्यक्रम है मध्याह्न भोजन, जो कि हमारे स्कूल में भी चलाया जाता है। बच्चों, मध्याह्न भोजन की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई। भारत में यह योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु में शुरू हुई और बाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। मध्याह्न भोजन से जातिगत फासलों में काफ़ी कमी देखी गई। इसके अलावा मध्याह्न भोजन के द्वारा गरीब बच्चों का रुझान विद्यालय की ओर हुआ। विद्यालय में गरीब बच्चों का नामांकन बढ़ा और इसके साथ साथ जो माताएं काम पर जाती हैं, जिन्हें अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए वापस घर में आना पड़ता था, उन महिलाओं को इस चीज़ से राहत मिली। आइए दोस्तों, अब जानते हैं भारत में असमानताओं के बारे में। दोस्तों, भारत में समानता के साथ साथ बहुत सारी असमानताएं भी देखने को मिलती हैं। दोस्तों, भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानता अभी भी मौजूद है। भारत के कई ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती। आपको कई ऐसे स्त्री पुरुष और बच्चे मिल जाएंगे जो सड़कों के किनारे कूड़ा, प्लास्टिक या इस प्रकार की वस्तुओं को चुनते हैं। ट्रेनों में अवैध रूप से झाड़ू लगाते बच्चे आप देख सकते हैं। इन सबके साथ उचित व्यवहार भी नहीं किया जाता।
बच्चों निर्धन होने के अतिरिक्त भारत के अनेक लोग अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये असमानताएं, ये जातिगत व्यवस्थाएं केवल गांव में होती हैं। शायद आप गलत भी हो सकते हैं। आपको लगता होगा कि शहरों के लोगों में जातिगत भावनाएं नहीं होती, वहां पर जात पात को नहीं देखा जाता होगा। लेकिन बच्चों, जब आप समाचार पत्रों को देखते हैं, उनके शादी के विज्ञापनों के कॉलम को देखते हैं, तो आप पाएंगे उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में ये लिखा होता है कि हमें इस जाति का, इस कुल का वर चाहिए या फिर वधू चाहिए। दोस्तों, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अलावा हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी इसमें सहयोग देना पड़ेगा, ताकि हम भारतीय लोकतंत्र में, जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली मजबूत लोकतंत्र है, वहां पर समानता स्थापित कर पाए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, आज हमने भारत में लोकतंत्र के बारे में सीखा, जिसमें हमने मताधिकार की समानता को जाना, उसके अंतर्गत वयस्क मताधिकार के बारे में हमने जाना। हमने भारतीय लोकतंत्र में समानता को देखा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के बारे में हमने जाना, और भारत में क्या क्या असमानताएं हैं, किन किन क्षेत्रों में लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है, ये हमने जाना। आशा करता हूँ आप इन सभी बिंदुओं को एक बार जरूर घर पर देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे। बच्चों, अगली वीडियो में हम मानवीय गरिमा का मूल्य, हम बाल संसद और उसका उद्देश्य जानेंगे, और साथ ही बाकी जो लोकतांत्रिक देश हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।